हिसार में एक बड़ा कार्यक्रम है बीजेपी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी कि सावित्री जिंदल ने बीजेपी का दामन थाम लिया, कई और नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान क्या कुछ कहा जा रहा है सीधे आपको सुनवाते हैं। के परिवार की जो कल्पना की जाती है, एक परिवार होता है माता पिता उनके बच्चे, पति पत्नी उनके बच्चे, उनके भाई उनकी बहनें उनके पिता माता, ऐसा मिलाकर के एक निजी परिवार जिसको कहते हैं। निजी परिवार स्वाभाविक है, संबंध होते हैं तो उनका एक प्रेम प्यार आपस में रहता, तो निजी परिवार की कल्पना की गई है। उसके बाद जब सामाजिक व्यवस्था में आदमी आता है, राजनीतिक व्यवस्था में आता है, उसका दायरा उससे आगे बढ़ जाता है और उस दायरे में जो जिसका दायित्व होता है, मानो किसी का हिसार शहर है तो हिसार शहर को अपना परिवार मानता है, मानो पूरा प्रदेश जिम्मे है तो अपने पूरे प्रदेश को परिवार मानता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की एक सभा में कह दिया, मेरा हरियाणा का परिवार जिसके 2,82,06,995 सदस्य हैं, उनकी ओर से मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं। तुरंत पीएम ऑफिस से मेरे पास ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपने ये संख्या कैसे बोल दी है, 2,82,06,995, इसके पीछे की भूमिका क्या है। मैंने हरियाणा में शासन करते हुए बहुत से परिवर्तन किए, बदलाव किए, और उस परिवर्तन के अंदर एक विषय निकाला था, परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र पीपी फैमिली आईडी जिसको कहते हैं, हम में से किस किस का बना हुआ है, ऐसे हैं कुछ जिनका नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ तो कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा, खड़ा बना हुआ वो भी कब हाथ खड़ा कर रहे हैं, या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, संकोच है बताना, पूछना ही है, इसे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। कहीं आपको लगे कि हाथ खड़ा कर देंगे तो हम सारे कहीं फोटो आ जाएगा, चिंता मत करो, आप आए हैं इसी में से फोटो हो जाएगा, चिंता मत करो। आप तो इतना बताओ हमारी फैमिली आईडी किस किस की बनी हुई है, वो जरा एक हाथ खड़ा करके बताओ सब। अब इस बार थोड़ा ज्यादा हाथ खड़े हो गए। अब ये ऐसा एक सिस्टम बना है जिसके अंदर हमको हर रोज प्रातःकाल ये पता लग जाता है कि हरियाणा के आज कितने सदस्य हैं, हर नया पैदा होने वाला उसका नाम जुड़ जाता है, और जो कटना होता है भगवान को पैर जो हो गए होते हैं उनका नाम कट जाता है। तो ये हमारा एक परिवार है, प्रदेश का एक देश का परिवार है, और कुछ तो दुनिया के लोगों को परिवार मानते हैं। एक श्लोक आता है, अयम निजा प्रोवेति, अर्थात ये मेरा है ये तेरा है, यानी जो अपने आप को इन चीजों में बांट के रखते हैं उनकी सोच छोटी होती है। साथ ही जो सोचते हैं, यानी उदार चरिता नाम, तो जिनका चरित्र उदार होता है, विशाल हृदय के लोग, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी वसुधा, पूरा दुनिया पूरा विश्व ये एक परिवार है। हम संगठन के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां चलाते हैं, अपना भी एक परिवार है। उस परिवार में हम विचार होकर के एक विचार से देश समाज की सेवा करने वाले लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, इस देश के अंदर एक बड़ा परिवार, और उस परिवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ करके हम सब लोगों ने कहा है कि ये परिवार कहलाएगा मोदी परिवार।